है, पकड़ कर उड़ा 20 मिनट तक रोड के बीच में उड़ाई लेके उसने बैठा रहा था। वो एक पहलवान अखाड़ा में रहने वाला प्रैक्टिस करने वाला वो इस तरह तय धरना पर बैठा है तो शरीर भी डाउन होता होगा, प्रैक्टिस भी छूटती होंगी, तो फिर किस तरह तक आगे मैनेज करोगे, आगे गेम भी आने लग रहे हैं। ईब सुनन ने मिला है बोलिया भैया तो जाट बैठे हैं तो और खाप नहीं आ रही, इसका बारे में क्या करना है। वो भी कही है ये पहलवान बैठे इनकी आँख ही मिच रही हैं, ये हैं राजनीति का शिकार हो रहे हैं, जब इनकी आँख खुलेगी तो इन्हें अफसोस भी होगा, तो क्या करना है इस बारे में। राम राम भाई सारे भाई, आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। फिर तो भाई मैं दिल्ली जो है जंतर मंतर पा आ गया हूँ। पहलवान जी राम राम भाई। राम राम भाई दोस्त। पहलवान जी की बात थी उदन जब आप पुलिस का दौरा खड़े थे, गाड़ी में बिठाओ थे, कितने जाते हुए? कुछ नहीं भाई, उस दिन जब सबने देखा बारिश हो रही थी तो फोल्डिंग लेकर आने लग रहे थे क्योंकि गद्दे वद्दे सब गिल्ले हो गए थे, तो उन्होंने बस एक शुरू में तो रिक्वेस्ट करी थी तो वे थोड़े ज्यादा अपशब्द बोलने लग गए, गाली दी एक बाणते, तो फिर भाई वो कोई ना गुस्सा इतना उठ गया, मां भाई चलो आज देखी जाएगी यार पार की करांगे। अच्छा अच्छा। तो इस बात ने लेगा थोड़ा उड़ा आपस में हो गया था। और फिर एक भाई दारू भी पी का रहा है, ठीक है वो ना कौन पी रहा दारू, पुलिस वाला पी का रहा था, उसकी बाकायदा वीडियो भी है, वो पकड़ कर उड़ा 20 मिनट तक रोड के बीच में उड़ाई लेके उसने बैठा रहा था। अच्छा, अच्छा। सबके बीच में जाने कौन दिया? जाने नहीं दिया, पर वो पावर पुलिस पहलवान की तो वो भाई के अकेले में था और भाई भी भाई सारा जितने आदमी भाई थे सारे इकट्ठे थे उड़ा, पर उसने काट ले गए, पुलिस थोड़ी ज्यादा आ गई थी उसने निकाल ले गए, नियम तो डॉक्टर भी हड़े बुला दिया था, मैं चेकअप होगा तो हड़े होगा रोड के बीच में। अच्छा अच्छा। तो भाई अपने सारे बाण बेटे हैं इज्जत की बात आ रही है, तो जितने भी भाई जो भाई है आपके थ्रू जितने दौरा भी आप वीडियो जाएगी तो उस समय यह बात कहूँगा भाई टाइम है, एक साथ इकट्ठा होना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि अगर ये जो है बाण बेटी सब का है तो कल इन बड़ इनके साथ होया कल परसों फिर किसी और का नंबर आओगा, तो भाई ज़रूरी है। और भाई वह चीज़ देख और भाई हमने भी सो उठा होगा पक्का, तो परसों परले दिन भी एक छोटी ही वीडियो आ रही हो आज आ रही थी न्यूज़ में, तो मैडम पंजाब तो आई थी, उसने अंदर नहीं आने दे रही थी। अच्छा। और रात कवर करने तक आई थी। हाँ। भाई पहलवान इतने दिन तक रात में अड़े लूट रहे हैं, तो वह कहती भाई वो माहौल देख कर मन तो डर लग गया, हमने डर नहीं लगता, मकाम के मैं चोर थोड़ी हाँ जो डरांगे ना के मैं गलत कर रही हाँ ठीक है हमारी गल है भाई, जनवरी में धोखा करके झूठे आश्वासन दिए ठवा दिए बालक, तो उस चीज का बड़ा दुख से इस हमारे मजबूर ईब तो भाई नहीं भाई ईब तो आर पार की करके उठाएंगे, ईब तो आश्वासन नहीं चाहिए, तुरंत कार्रवाई करो, कार्रवाई हो पाछे ही उठाएंगे हम। अच्छा। क्योंकि ईब अपनी गल्या सारा भाईचारा जुड़ गया है, हरियाणा पंजाब यूपी राजस्थान दूर दूर के आदमी जुड़ रहे हैं, समर्थन देख जान लायक रहे हड़े, तो आज 25-26 दिन हो गए हैं जंतर मंतर पर हमने पढ़े, दिन रात अड़े पड़े रहा, तो भाई तो बस पाछे नट नहीं सकते, ची अपना अड़े मरना पड़े भाई। तो एक पहलवान अखाड़ा में रहने वाला प्रैक्टिस करने वाला वो इस तरह तय धरना पर बैठा है तो शरीर भी डाउन होता होगा, प्रैक्टिस भी छूटती होंगी, तो फिर किस तरह तक आगे मैनेज करोगे, आगे गेम भी आने लग रहे हैं? देखो भाई एक रही बात गेम की, प्रैक्टिस बिल्कुल छूट रही है जब ताड़ा बैठे हैं, ना खान पीन का सही सूट बैठ रहा ना रेस्ट हो रहा, तो वह चीज़ है बात की बात है, एक सारे भाइयों तो यह बात बूझूंगा, एक गेम की हर चीज़ की एक उम्र हो है, गेम हम लिमिट टाइम तक कर सका और 2-4 साल 5 साल और कर लेंगे। हाँ। उसके बाद में क्या काम आओगा भाईचारा जो है समाज जो है। हाँ। ये भाई वो समाज वाली बात आ रही है, अगर भाई जैसा कुछ होया ना देखी जाएगी बाद में देखेंगे, पहले वो चीज़ें ठीक करनी घनी जरूरी है जी। और अपने हरियाणा में के सारे गए है भाई बाण बेटी की जो इज्जत हो है, एक मान लो गाँव की घर की गाँव की गवांड की सबकी इज्जत पर ओ हवा, और भगवान खराब होती या मट्टी पिटती नहीं देखी। बिल्कुल। तो पहलवान जी देखो कमेंट भी आओ हैं, वैसे जिक्रा भी आप सुना हाँ जब जीत के आओ है तो 36 बिरादरी की जो है भाई खिलाड़ी हो जाए है, जो भाई हो हैं पहलवानों हैं ये हो जाए हैं, लेकिन ईब सुनन ने मिला है बोलिया भैया तो जाट बैठे हैं तो और खाप नहीं आ रही, इसका बारे में क्या कहना है? बिल्कुल भाई आप देखते जाओ
ये पूरे दिन रहो आपने, मैं सारी वीडियो दिखाऊंगा। हाड़े हिंदू भी मुस्लिम भी सारे भाई आवे, हाड़े पंजाबी भाई आवे, हाड़े सारे भाई आवे हैं। हाड़े ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो एक राजनेता है, वो अपने जो स्टंट खेलने थे ना उसने लिए खेल। ये वो पहले था एक भाई था हरियाणा के हैं, जाट हैं, फिर और क्या मैं बीच में घुसन लग गया तो उसने अपने सारे हथकंडे अपना देख लिए। अरे ई वो हमारे बड़े बुजुर्ग क्यों हाथ जोड़न लग गया? अब भाई उनका तो हाथ जोड़ कर राम राम करू सब ने। क्या था भाई, थोड़े दिन पहले तू कल्पा कर था ई के हो गया तो भाई गलत कराया है, उसने सजा मिलनी चाहिए। हाँ हम आए सरकार तभी आए कहा, हाँ जब हमारी गलती लग रहा है तो हमने दियो भाई, और उसने गलती जो कर रखा है उसने तो सजा दवावांगे। जी बिल्कुल सही बात है। तो नो है भाई, जो है बात आर पार की होनी चाहिए। तो आपने इंटरव्यू सुना होगा ब्रजभूषण सरन का, तो उसमें नो भी कही है ये पहलवान बैठे इनकी आँख ही मिच रही हैं, ये हैं राजनीति का शिकार हो रहे हैं, जब इनकी आँख खुलेगी तो इन अफसोस भी होगा, तो क्या कहना इस बारे में? भाई राजनीति का शिकार एक बार जनवरी में हो ली हम। अच्छा। अरे ई बताया कि बुढ़ी यात्रिया खुल रही हमारी उस भाई ने, ठीक है वह बात आज आखिर में वो एक अपने राजनीति मोड़ देने के चक्रा में है। अच्छा। किसी न किसी तरिया इन्हें अड़े तक ठवा दो। अच्छा। तो भाई हम नहीं उठते जी, तू कुछ कह ले, हमारी आँख में चरी है, हम तो भाई कम में भी हो रहा है हमारे साथ, पर हम तो न्याय लेकर उठाएंगे। तो भाई साहब देखो, कांग्रेस के भी आओ हैं, बीएसपी भी जो है नेताओं हैं अड़े हैं, चंद्रशेखर रावण भी आया है, तो बीजेपी के जो हैं वे सिर्फ आप जीतना पे आप मेडल लिया उस टाइम दिखे हैं, ईब नहीं दिख रहे। बिल्कुल ईब भी आने तो लगे हैं, आने लगे हैं। हाँ कौन बिल्कुल आया? अपने जो ये था वीरेंद्र जी हैं। अच्छा। जो पहले कांग्रेस में थे, ईब बीजेपी में हैं। अच्छा। तो वे आए हैं और कम से कम 4-5 घंटे लगा गए, 4 घंटे करीब। के बात बोली तो उसने यह बात कही थी भाई मैं अच्छी बेशक बीजेपी में हूँ, पर यो आज तक मैं इतना लंबा करियर हो गया मेरा राजनीति में, ये जनता के उस पर हूँ। अच्छा। अगर आज दुख में ये जनता इकट्ठी हो रही है तो मैं भाई राजनीति नहीं देखना चाहता, किस पार्टी का हूँ भाई, आगे दुख में शामिल होऊंगा भाई। तो जिनका जमीर जिंदा है ना वो तो आवे हैं भाई अड़े, हर पार्टी के आए हैं अड़े, और जो भाई जमीर ना हुआ बात है ना आख्या देखी मैं की भाई जो जिसका जमीर जिंदा वो ना खा हुआ आख्या देखी मैं की। तो पहलवान जी आने वाले 21 तारीख में किस तरह का माहौल होगा, क्या कुछ होगा? देखियो जो हमारे बड़े बुजुर्ग आओगे तो पंचायत अपनी 21 तारीख ने तो वे फैसला लेंगे, अब ये बाग के करना है। इब तई हमने जिस तरह भाई बैठे हैं अड़े आकर मिल कर गए हैं, बता कर गए हैं, अगर डरो मत ना डटे रहो, हम सारी गैल हाँ। तो इब गाँव गाँव में छोटी छोटी पंचायत ही बड्डी पंचायत होगी, माँ पंचायत होगी, तो सारे खाप किसान यूनियन पंजाब तय सब इकट्ठा होंगे 21 तारीख ने, और वे डिसाइड करेंगे कि भाई या तो इनकी मांग कर लो नहीं फिर कम बड़ा कदम उठाएंगे। चलो तो बहुत बहुत पहलवान जी, बहुत धन्यवाद भाई।